बेईमानी आ जाती है, असली मालिक को धोखा देते हैं, उनके साथ में धोखाधड़ी करते हैं। तो अब संपत्ति के असली मालिक को यानी कि रियल ओनर को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उनकी संपत्ति के ऊपर इस तरीके से बेईमानी पूर्वक धोखाधड़ी से हड़प के कब्जा किया गया है तो जो भी कब्जाधारी है उसको एक भयंकर पनिशमेंट वो दिलवा सकते हैं। 7 साल तक की उसको जेल हो सकती है, एक मोटा जुर्माना उसको भरना पड़ेगा, तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, जमानत भी उसको नहीं मिलेगी और जिस संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा है वो संपत्ति भी उसको छोड़नी पड़ेगी। और ये सोल्यूशन मात्र लगभग 15 दिन के अंदर मिल जाएगा, ज्यादा समय इसके अंदर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं अब बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन सा नियम है, किस तरीके से काम करना होगा और क्या करना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो ये नया नियम है जो आपको पता है कि 1 जुलाई से पूरे देश के अंदर नया कानून लागू हो चुका है। तो इस नियम का बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ये नियम भी नए कानून के अंदर बनाया गया है मोदी सरकार के द्वारा लोगों को फायदा दिलवाने के लिए। तो ये नियम कौन से कानून के अंदर बनाया गया है? तो ये नियम बनाया गया है जो नया कानून है BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता, इसकी धारा 318 सब क्लोज 4 यानी कि 318 की उपधारा 4 है। तो ये जानकारी मैं आपको डिटेल के अंदर समझा देता हूँ कि BNS 318-4 क्या है। तो यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता BNS 318-4 भारतीय कानून की एक धारा है जो धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के हस्तांतरण के अपराध को संबोधित करती है। यह धोखाधड़ी की गतिविधियों से निपटता है जहां एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति हस्तांतरित करने या झूठे बहाने के तहत इसे रखने के लिए सहमति देने के लिए धोखा देता है। तो इस धारा का साफ मतलब यह है कि अगर कोई धोखे से बेईमानी से संपत्ति को अपनी कर लेता है तो उसके ऊपर यह धारा आप लगवा सकते हैं। अब इसमें एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं कि आखिरकार इस धारा के अंतर्गत सजा कितनी मिलेगी। तो यहां पे देखो, इसमें यह भी बात लिखी गई है कि BNS की धारा 318-4 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति हड़पने के लिए प्रेरित करना, पहला कै पॉइंट ये है। कै पॉइंट ये है कि 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना, यानी कि कारावास भी 7 वर्ष तक का होगा और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और गै पॉइंट ये है कि संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है, यानी कि इसके अंदर तुरंत गिरफ्तारी भी हो जाएगी और जमानत भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इस धारा के बारे में तो आप जान चुके हैं, पर यहाँ पे अब सबसे बड़ा सवाल आपका ये निकल के आ रहा होगा कि आखिरकार इस धारा के तहत हमें केस कहाँ पे करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं ये बात भी आपको समझा देता हूँ कि जहाँ पे आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, क्या डिटेल है, यानी कि जो भी आपके पास में डिटेल है वो डिटेल आपको एक एप्लीकेशन के अंदर लिखनी है और वो एप्लीकेशन आपके नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है उसके नाम से लिखना है। यानी कि उस एप्लीकेशन के अंदर वो सारी डिटेल लिखनी है कि किस तरीके से बेईमानी से धोखाधड़ी से आपकी संपत्ति को हड़पा गया है, किसके द्वारा हड़पा गया है, शॉर्ट के अंदर वो सारी मेन मेन बातें उस एप्लीकेशन के अंदर लिखनी है। और उस एप्लीकेशन की आपको 2 कॉपी करवानी है और आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके इस धारा का हवाला देके और उसके खिलाफ आपको मुकदमा दर्ज करवाना है। जिसने धोखाधड़ी से बेईमानी करके आपकी संपत्ति को हड़पा है या फिर हड़पने की साजिश रच रहा है उसके खिलाफ बिल्कुल आप इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और 2 कॉपी आप करवाएंगे इस एप्लीकेशन की, तो 1 कॉपी आप वहाँ पर जमा करवा देंगे और दूसरी कॉपी पर इश्यूंग करवा के अपने पास में रख लेंगे। और जो एप्लीकेशन आप पुलिस स्टेशन के अंदर देंगे उसके साथ में अगर धोखाधड़ी यानी कि इस सेक्शन से रिलेटेड जो अपराध हुआ है उसके अगर एविडेंस लगाएंगे, पुलिस को लग जाता है कि बिल्कुल इस धारा के तहत अपराध किया गया है, तो जो भी जिसने अपराध किया है उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी और फिर उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच पड़ताल होगी, पुलिस चार्जशीट बनाएगी, कोर्ट के अंदर पेश कर देगी, फिर पूरी प्रक्रिया कोर्ट के अंदर चलेगी और कोर्ट के ट्रायल के अंदर अगर वो दोषी पाया जाता है तो 7 वर्ष तक की उसको जेल हो सकती है और एक भारी भरकम जुर्माना भी उसके ऊपर लग सकता है और वो सारी संपत्ति भी उसको छोड़नी पड़ेगी जिसके ऊपर वो कब्जा बनाए हुए है और उस संपत्ति का जो उपयोग किया है उसका हर्जाना भी उसको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। जब पुलिस FIR कर देगी यानी कि पुलिस को लगेगा कि बिल्कुल इस धारा के तहत अपराध किया गया है, तो यहाँ पे मात्र 15 दिन के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी नया कानून लागू हुआ है 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, तो इसके तहत ये प्रोसीजर रखा गया है कानून के सिस्टम के अंदर कि अब तारीख पे तारीख नहीं चलेगी, यानी कि हर जगह पे शॉर्ट टाइम के अंदर काम होगा, कम समय के अंदर सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये धारा इस तरीके से तुरंत प्रभाव से काम करेगी, जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन देगी। तो दोस्तों, इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, फिर आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी किसी भी तरीके की समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके, वो भी फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।